हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम लोग स्टार्ट करें हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इस चैप्टर में हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और आपका 11 क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपका कि जो जो सब्जेक्ट आपने अब तक पढ़े हैं उस सब्जेक्ट में क्या क्या आपने पढ़ा है, या इस इन सब सब्जेक्ट को हमने क्यों पढ़ा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले, अब तक के जो भी क्लासेस आप पढ़ रहे थे 6, 7, 8, 9, 10th, वहाँ पर इस तरीके का केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स ऐसे टर्म नहीं थे। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस। डू यू रिमेम्बर कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस। ये जो साइंस वर्ड है या जो सब्जेक्ट था, इसमें आप क्या पढ़ते थे बच्चों? इस साइंस का मतलब या इस साइंस का वर्ड, इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे? जैसे अगर हम कहते हैं इस साइंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर आपने फिजिक्स की बुक पढ़ी होगी तो उसमें साइंस का मतलब भी दिया हुआ है। जस्ट इसको अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो साइंस का मतलब होता है टू नो। व्हाट इट्स मीन्स, साइंस का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है कि जानना, चीज़ों को जानना है हमें। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को जानते हैं। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू नो, अवर क्यूरियोसिटी, हम लोग हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो किस चीज़ों के बारे में हमने साइंस में पढ़ा, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपके आसपास है, जैसे अगर आप बात करते हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमने एयर के बारे में पढ़ने की कोशिश की। हम पानी पीते हैं तो हमने पानी के बारे में पढ़ने की कोशिश की। हमारे आसपास लैंड है, सॉइल है, तो सॉइल के बारे में हमने पढ़ा। हमारे बॉडी के बारे में हमने पढ़ा। जो भी हमारे आसपास होता है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसका मतलब साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो हमने मून के बारे में भी पढ़ने की कोशिश की, हमने सन के बारे में भी पढ़ने की कोशिश की, हमने दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ने की कोशिश की। तो इसका मतलब हम साइंस में लगभग सभी सब्जेक्ट, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं या फिर हम जिन्हें देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि टू नो और टू स्टडी, हम साइंस में पढ़ते हैं टू स्टडी अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स इसलिए कहा बच्चों क्योंकि लगभग सभी चीज़ जो हमें पता है, सोचिए हमने स्टार्स के बारे में भी पढ़ा है। सबसे पहला अगर मैं कहूँ सबसे पास की चीज़ तो एयर है। एयर से हम स्टार्ट करते हैं जब हम छोटे होते हैं, एयर, वाटर, फायर, इन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और हम ख़त्म करते हैं, मतलब ख़त्म नहीं हुई है अब तक हमारी पढ़ाई। फिर भी हम लोग स्टार्स के बारे में भी पढ़ते हैं, मून्स के बारे में भी पढ़ते हैं, अदर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके, बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्या हमने किसी ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश की जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है या फिर जिसे हम नहीं समझ सकते? क्या आपने साइंस में कभी गॉड के बारे में पढ़ा है? कभी कोई चैप्टर आपको गॉड के ऊपर या घोस्ट के ऊपर या स्पिरिट के ऊपर था? नहीं था। तो देखो बच्चों, अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, बट साइंस में हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। साइंस में हम उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं या उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं बच्चों। तो उन्हीं टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और अभी 11, 12 में भी आप लोग वही टॉपिक पढ़ोगे, दूसरे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का। तो अब साइंस के बारे में तो हम समझ गए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? अब देखो, साइंस में तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाता है। अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हमें एक एक चीज़ थोड़े थोड़ा पार्टीशन करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पूरा केक एक साथ नहीं खा सकते। क्या आप पूरा केक खा सकते हो? नहीं खा सकते। उसका कट कर करके छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ते हैं और छोटे छोटे पार्ट उसके पीसेस हम खाते हैं। वैसे ही हम साइंस को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अब आप 11 में जानते हो बच्चों कि आपके कौन से टॉपिक है। जस्ट अगर मैं काउंट करूँ तो साइंस को आपने डिवाइड कर दिया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ये तीन टॉपिक है। ओके, अगर मैं इन तीन टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट
कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो हमारा सबसे क्लोज है जिसके बारे में अगर मैं कहूँगा तो सबसे पहला आता है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में हम हमारे बारे में समझते हैं, हमारे आसपास की जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, सेकेंड नंबर पर मैं केमिस्ट्री को रखता हूँ। क्यों केमिस्ट्री को मैंने सेकेंड नंबर पर रखा, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स को छोड़कर जो बाकी की चीज़ें नेचर में हमारे पास प्रेजेंट है उन सभी को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री समझनी होती है। एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम समझना हो तो मुझे केमिस्ट्री समझनी होगी, केमिकल रिएक्शन समझने होंगे, तब जाकर ही मैं हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम समझ पाऊंगा, या हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड के कंस्टिट्यूएंट समझ पाऊंगा। अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग है, लेकिन उससे बचने के तरीके तो हम केमिकल मेडिसिन से ही करते हैं, इसलिए मैं केमिस्ट्री को सेकेंड नंबर रखूंगा। एंड लास्ट में हम मैं रखूंगा फिजिक्स को। देखिए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, जस्ट मेरे तरफ से मैंने उनको नंबरिंग किया है। बायोलॉजी क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं, उसके बाद सेकेंड केमिस्ट्री क्योंकि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें केमिस्ट्री में होता है, और फिजिक्स जब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी हमारी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं सारी की सारी चीज़ें लगभग वो ह्यूमंस के इमेजिनेशन है। एग्जाम्पल फोर्स का ही ले लो बच्चों, अगर मैं किसी भी चीज़ की फोर्स के बारे में बात करूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ या फिर मैग्नेटिज्म की बात करूँ, तो क्या वो रियल में होता है? मतलब रियल में तो होता है, लेकिन आपने मैग्नेटिक फोर्स ऐसे कहीं लिखा है ऐसा कहीं नहीं है, हमने उसे बनाया है, दैट इज इमेजिनरी। हमने मीन्स साइंटिस्ट लोगों ने लॉस डिराइव किए हुए हैं, कुछ पागल लोग थे जिनके वजह से हम पागल हो रहे हैं अभी, बट अब जो है हमारे सिलेबस में हमें वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिजिक्स में हम जो भी लॉज दिए गए थे, जो भी रूल्स बनाए गए थे साइंटिस्ट द्वारा, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। तो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि केमिस्ट्री आपने 9th क्लास में स्टार्ट की थी, जो आपका 9th क्लास था, समझ लो कि आपने 9th क्लास में जो चैप्टर्स पढ़े थे केमिस्ट्री के, वही ये चैप्टर है, उसका थोड़ा सा एडवांसमेंट है। जितने भी आपने 9th क्लास में पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है वही आपका ये चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 1। तो अगर आप थोड़ा सा 9th का रिविजन करके आओगे तो आपको ये चैप्टर बड़ा ही आसान लगेगा, बड़ा ही प्यारा लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। ओके, अब केमिस्ट्री वापस आते हैं। तो 9th क्लास में आपने सबसे पहला टर्म, बच्चों क्या टर्म पढ़ा था आपने सबसे पहला, क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहला टर्म कौन सा पढ़ा था? मैटर, सबसे पहला टर्म पढ़ा था आपने मैटर। तो मैटर, तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस, तो इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ, अगर मैं इसको लिखता हूँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो केमिस्ट्री को हम लिखेंगे स्टडी ऑफ मैटर, मतलब हम इस सब्जेक्ट में मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैटर की कौन सी, अब बोलोगे सर मैटर के बारे में तो हमने 9th में ही पढ़ लिया था, है ना, 9th में ही पढ़ लिया था आपने, बट हम मैटर के कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देंगे? ऐसा तो नहीं कि अब हम 11th 12th में मैटर के हर चीज़ के बारे में पढ़ ले, ये सब पॉसिबल, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं कि हम मैटर की हर एक पॉइंट, हर एक बातें को समझ लें। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम मैटर के किससे वो बना हुआ है, सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि वो किस चीज से बना हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कंपोजिशन, स्टडी ऑफ मैटर बाय, या फिर इसके पॉइंट्स कि वो मैटर के हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो पहला हम पढ़ने वाले कंपोजिशन ऑफ मैटर, याद रखना है क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है, कंपोजिशन का मतलब होता है वो किस चीज से बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ने वाले, देखो अगर हमें पता चल गया कि ये पेन प्लास्टिक का बना है, जैसे हमें पता ही है कि ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होंगे या प्लास्टिक का पार्टिकल होगा या एटम होगा, वो हम बाद में देखते, लेकिन जब इसमें हमें पता है कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो क्यूब फॉर्म में अरेंज है, क्या वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, क्या वो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज है, कौन से फॉर्म में अरेंज है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो कंपोजिशन के बाद हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, किसकी बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर की। एंड लास्टली बट एंडिंग नहीं होती यहां पर हमारे टॉपिक की, और भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हमें समझ गया कि ये प्लास्टिक किसका बना हुआ है, कंपोजिशन समझ गया, दूसरा हमें समझ गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोन है, स्क्वायर है, क्यूबॉइड है, वो सब समझ में आ गया। उसके बाद के लेवल पर हम क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या समझते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्लास्टिक है,
अब इसको अगर मैं एसिड में डालता हूँ तो ये क्या प्रूफ क्या शो करेगा, या अगर मैं इसको जला देता हूँ, बर्न करता हूँ, कंबशन करता हूँ तो क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ने वाले हैं। मतलब थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें मैटर के, हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम कहते हैं, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 11th केमिस्ट्री या 12th केमिस्ट्री में हम इन सभी पॉइंट की बात करने वाले हैं। अलग अलग चैप्टर में हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो ये बात आपको सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम अब हम पढ़ तो रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने आपसे कहा कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका आंसर मैं अभी देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपके बुक में भी दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये तो हो गया केमिस्ट्री, लेकिन नेक्स्ट लेवल अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ये केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है ना, कि हमको बुक्स दी हुई है इसलिए हमें पढ़ना है, या कुछ तो रीजन होगा कि जिसके वजह से आपके सिलेबस में ये केमिस्ट्री दी गई होगी। कोई तो रीजन होगा, जिन लोगों ने आपका सिलेबस बनाया है वो कोई बच्चे तो नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आपका सिलेबस बनाया हुआ है। इसका मतलब जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। सोचो कि आपके आसपास केमिस्ट्री कहाँ पर है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो देखो आपके आसपास, अगर आप पेन को देखोगे, सिर्फ पेन को ही देखोगे तो पेन आप लिखते हो तो पेन किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। तो ये जो प्लास्टिक है, क्या जमीन खोदने से प्लास्टिक मिल गया हमें? जमीन खोदने से प्लास्टिक नहीं मिलेगा बच्चों, इसे हमने बनाया है केमिकली, इसे बनाना पड़ेगा, एक केमिकल रिएक्शन से इसे बनाया जाता है, उसके बाद ये प्लास्टिक मिलता है। अब चलो इसके अंदर बात करते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर इंक है। क्या आपको नदी में इंक मिलती है? क्या आपको किसी पेड़ से इंक मिलती है? नहीं बच्चों, इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। कुछ इंक हमें पेड़ से मिल सकती है, लेकिन वो इंक डायरेक्टली ऐसे नल खोलो और इंक निकलती वैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें वो इंक मिलती है। ओके, तो एक ऐसे में जब एग्जांपल लिखने जाऊंगा तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स मेरे पास आएंगे। तो आप सुबह उठते हो तो नॉर्मली हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, तो ब्रश प्लास्टिक का बना हुआ है, और टूथपेस्ट भी एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत क्लीन हो जाते हैं। अगर आप ये तो हुआ मैंने मॉर्निंग एग्जांपल दिए, वहाँ सुबह से उठने से लेकर आप रात को सोने तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो लगभग सभी चीज़ों में केमिस्ट्री अप्लाइड होती है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो बच्चों, मैंने आपसे कहा साइंस में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, लेकिन जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो, पेन के बारे में आपको पता नहीं, तो फिर आपका जीने का मतलब ही क्या है? इतना साइंस पढ़ के मतलब ही क्या है कि आपको पता ही नहीं कि ये पेन के अंदर हो क्या रहा है? देखो इसके अंदर इंक कैसे फ्लो हो रही है। अलग अलग टाइप के पेन आते हैं, आपने देखा होगा फाउंटेन पेन होता है जिसमें आप इंक डालते हो और वो लिखता है, दूसरे आपने रिफिल वाले पेन देखे होंगे, इंक जेल वाले पेन देखे होंगे, और ये जैसे कि मार्कर है इसमें तो एक स्पंज टाइप होता है अंदर में, उसमें हम इंक डालते हैं। आपने स्केच पेन देखा होगा, उसमें स्पंज टाइप होता है, उसमें इंक डालते हैं। हर एक पेन अलग अलग टाइप से काम करता है, तो वो उसका वर्किंग चले जाएगा फिजिक्स में, जो ये सब पेन है उसका वर्किंग चले जाएगा फिजिक्स में, लेकिन ये जो बना किससे है, इसमें केमिकल्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, कलर यूज़ किया जा रहा है, ये सभी चीज़ आएंगे हमारे केमिस्ट्री में। अब ये जनरल एग्जांपल आप बोलोगे सर ये तो आप बच्चे जैसे एग्जांपल दे रहे हो मुझे, ये तो बहुत बच्चा हमको, मतलब आपने बच्चा ही समझ लिया, चॉकलेट दे के छोड़ रहे हो हमको, तो हमको चॉकलेट नहीं चाहिए, हमको तो डेरी मिल्क चाहिए, है ना, मेलेडी वेलेडी हम खाते नहीं, हमको तो फाइव स्टार या कैडबरी चाहिए। तो अब बड़े एग्जांपल पे आ जाते हैं हम लोग। बड़े एग्जांपल पे आप सभी को गाड़ी चलाना, या मतलब देखते होगे गाड़ी लोगों को चलाते हुए, तो आपको भी लगता होगा कि काश हम भी कभी गाड़ी चलाए, है ना। चलो गाड़ी का छोड़ देते हैं एग्जांपल, तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर 15 मिनट के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो क्या होता है, कैसा फील होता है आप लोग को? क्या आप शांति से रह पाएंगे? नहीं रह पाएगा कोई भी, आज की डेट में बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह पाता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, सोचो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है? थर्मल पावर प्लांट आपने नाम सुना है, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में बचपन से सुन रहे हो। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल को जलाकर स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से टरबाइन रन किए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या अपने आप आ गई, बिना केमिस्ट्री पढ़े आ गई? कोल को बर्न करना, कोल को साफ करना, कोल को क्लीन करके उसके बर्न करना, अगर हम ऐसे ही बर्न कर देंगे तो सोचो जैसे आप प्लास्टिक जलाते हो तो कितना धुआं होता है, तो कोल को बर्न करने से भी वैसा ही धुआं होगा। तो कोल को पहले प्यूरीफाई किया जाता है, उसके बाद
थर्मापावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में अगर पढ़ाने गया तो शायद पूरा साल भर पढ़ाना पड़ेगा, तो हमें साल भर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है बच्चों, इसलिए हम यहीं पर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को रोक देते हैं, नहीं तो हमारा लेक्चर चलते ही रहेगा और मैं बताते ही रहूंगा और आप फिर बोलोगे सर ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हो गया और हम मेन केमिस्ट्री पे आए ही नहीं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं मेन केमिस्ट्री में। जैसे कि मैंने कहा था कि हम मैटर से स्टार्ट करेंगे, तो मैटर ही करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मारने नहीं जाना है किसी के घर पे, क्योंकि मुझे पता है मैटर का मतलब क्या होता है नॉर्मल टर्म में। ओके, तो मैटर नहीं करना है हमको, केमिस्ट्री का मैटर करना है। तो मैटर का मीनिंग, जैसे कि मैं मीनिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो हर टॉपिक को मैं मीनिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम मैटर का मीनिंग देखने जाएंगे कि मैटर का मतलब क्या होता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल मीनिंग आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्चुअल में मतलब मेरे तौर पर वो डेफिनेशन गलत है, बट सब लोग वही डेफिनेशन फॉलो करते हैं, इसलिए मैं भी आपको वही डेफिनेशन बताने वाला हूँ, बट रियल में उसकी डेफिनेशन वो नहीं है बच्चों। आपके अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है अगर हम बोलते हैं मैटर? मैटर मतलब एक सब्सटेंस, मैटर मतलब ऐसा एक सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की कुछ ना कुछ कंडीशन बताई है साइंस ने कि सब्सटेंस विच हैव मास एंड हैव स्पेस और ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा टर्म क्या है? मतलब सब्सटेंस विच हैव मास, कैसे हम इसको बोलते हैं, सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, अब देखो ये दो वर्ड है यहां पर यूज किए हमने। सबसे पहला वर्ड मैंने यूज किया है मास। एक तो सब्सटेंस तो आप सभी को पता है, सब्सटेंस मतलब हमारे आसपास जितने भी चीजें प्रेजेंट, सब्सटेंस को हिंदी में बोलेंगे इट इज अ मटेरियल और समथिंग, कोई भी थिंग, सब्सटेंस मीन्स कोई भी थिंग, कोई भी मटेरियल। हैव मास, अब देखो बच्चों ये मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मास बोलने से क्या होता है। अब मास आई थिंक एक मूवी का नाम भी है टॉलीवुड कोई, तो द मास ऐसा कुछ, तो बट वो मास नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मास है सब्सटेंस की क्वांटिटी। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर मैं दुकान में गया और मैंने चलो या फिर मैंने आपको कॉल किया कि आज मुझे 1 किलो शक्कर खरीदना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? और मैं कहूंगा कि मुझे 50 किलो शक्कर खरीदना है, 50 केजी ऑफ शुगर, तो आपको अगर मैं 50 केजी ऑफ शुगर कहता हूँ तो एक बड़ा सा बोरा आपके दिमाग में आएगा, और मैं कहता हूँ 1 केजी ऑफ शुगर तो छोटा सा बैग आएगा, इट्स ऑब्वियस। इसका मतलब अगर मैं मास कहता हूँ तो मास का मतलब आता है क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की क्वांटिटी। ध्यान से समझो, ये टर्म बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में भी हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, पर फिजिक्स में अलग तरीके से यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में अलग तरीके से यूज़ करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। मास मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। एग्जांपल मैंने अभी कहा कि मैं कह रहा हूँ 10 केजी ऑफ शुगर, तो 10 केजी मतलब बहुत बड़ा बैग रहेगा, और 1 केजी ऑफ शुगर कहूँगा तो थोड़ा सा शुगर रहेगा, ठीक है। तो मास मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब मैटर कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। सपोज मैं अगर इस एयर को भी बलून में पैक कर दूं और फिर मैं उसको वेइंग मशीन में वेट करूं, उसका अगर वेइंग मशीन में तराजू में उसको वेट करूं, उसका मास निकालने की कोशिश करूं, तो कुछ ना कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ ना कुछ तो आएगा। मतलब इस एयर का भी मास है बच्चों, आपको लगता है कि इस एयर का मास नहीं है, बट इस एयर का भी मास है। दूसरा पॉइंट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब सोचो, अगर ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब आपका आपका पेंसिल बॉक्स होता है, पेन बॉक्स होता है, अगर वो पूरा पैक हो गया, पूरा पैक हो चुका है, और उसमें मैंने कहा कि नहीं इस पेन को ऐड कर दो, इस पेन को ऐड कर दो, क्या अगर आपका पूरा पेंसिल बॉक्स पैक है तो उसको पेन को ऐड कर सकते हो? ये छोटा सा तो है, ऐड कर दो, नहीं होगा ऐड। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो पेन है इसके एक जगह लगती है रहने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वैसे ही दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है, लगभग सभी सब्सटेंस को जगह लगती है रहने के लिए। ये एयर भी बेचारा दिखता नहीं है, लेकिन इसको भी रहने के लिए जगह लगती है। अगर आप खाली बॉटल रख दो, कंटेनर रख दो, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। कैसे आई वो एयर? मतलब अपने आप ही आती है, हमें नहीं पता सर, हम थोड़ी ना वहाँ पे एयर भर रहे हैं, हमारे पास मतलब बलून ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि पहला मैंने मास बताया, कोई भी सब्सटेंस है उसका मास रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहेगी उस सब्सटेंस की। दूसरा, वो सब्सटेंस अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सभी सब्सटेंस को हम कहते हैं मैटर। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बच्चों, मैटर तक पॉइंट क्लियर है कि मैटर मतलब क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। क्लियर यहाँ तक के? इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इस मैटर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं।
अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टाइप के डिवीजन किए थे आपने इसको, मतलब क्लास नाइन्थ में चैप्टर वन में एक अलग डिवीजन पढ़ा था और चैप्टर टू में एक अलग डिवीजन पढ़ा था। तो पहला हम चैप्टर वन वाला डिवीजन पढ़ते हैं, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आता है या नहीं आता, आ जाएगा मोस्टली शायद, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैटर को अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ, मैटर को मैं क्लासीफाई करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ उसके शेप एंड साइज, मतलब शेप पर, उसका शेप फिक्स है या नहीं है उसके बेसिस पर। तो हम मैटर को, जैसे कि आपने, जैसे हम कहते हैं उसे स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या कहते हैं हम उसे, स्टेट्स ऑफ मैटर। डू यू रिमेंबर स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या आपको याद है स्टेट्स ऑफ मैटर? तो स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जैसे आप बायो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हो, वैसे ही ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। हमने मैटर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट इन नॉर्मल रूम एंड रूम कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, कि रूम के टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में एक सब्सटेंस कैसा रहता है, कैसा रहता है। तीन टाइप पढ़े थे आपने स्टेट के, कौन से तीन टाइप है आपके पास में? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट टाइप ऑफ मैटर और फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, या तो आप उसको टाइप ऑफ मैटर भी बोल सकते हो या स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो पहला टाइप है हमारा सॉलिड स्टेट, पहला और बहुत ही सिंपल सॉलिड स्टेट, सिंपल नहीं है बच्चों ये, इसके ऊपर पूरा ट्वेल्थ में पूरा का पूरा चैप्टर है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में एकदम डिटेल में हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सॉलिड के बाद हमारा पास आता है सेकेंड नंबर लिक्विड, और लिक्विड के बाद हमारे पास में आता है कौन सा आता है, गैस आता है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट आपने पढ़े थे। इसको छोड़कर भी दो स्टेट है शायद से आपने नाइन्थ में पढ़े हैं, याद है नहीं पता नहीं मुझे, तो ठीक है आप वो उसको देख लेना, बट हमारे लिए ये तीन स्टेट इंपॉर्टेंट है। अभी हम केमिस्ट्री में इन तीनों पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि वो जो दो स्टेट है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आउट ऑफ द सिलेबस का कुछ भी नहीं पढ़ना। याद रखो बच्चों, आपको सिर्फ फोकस करना है आपके सिलेबस पे। अगर आप एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हो या बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, जितना दिया हुआ है उतना अच्छे से करो, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम 100% करोगे तो ही फायदा होगा। आउट ऑफ द सिलेबस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और फिर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में है तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहला क्वेश्चन, और ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं मैटर के बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, ताकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस मैं पूरा बोर्ड भर के बता सकूँ, ठीक है। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पहले मैं मैटर के बारे में ही ऐसी दो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसके वजह से आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में डिटेल में समझेंगे। कैसे? अब देखो, हमने मैटर का मतलब समझ लिया कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो मास, जिसमें कोई मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आपने क्लास नाइन में क्या पढ़ा था बच्चों? आपने क्लास नाइन में मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या आपको याद है कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी थी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी, डू यू रिमेंबर सबसे पहली प्रॉपर्टी की क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? स्पेस बिटवीन, और सबसे पहला अगर मैं कहूंगा उससे भी पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या था? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब ये पार्टिकल का नाम आपको पता है, लेकिन मैं जस्ट लिख रहा हूँ पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब स्टार्ट करें हैं इसलिए पार्टिकल ही लिखता हूँ। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, तो मैटर जो है, कोई भी मैटर, जैसे ये पेन भी होगा, तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे, मिलियंस बोलो, करोड़ बोलो, अरबों, देर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ पार्टिकल, मिलियंस पार्टिकल इस एक पेन के छोटे से टुकड़े में मिलियंस पार्टिकल आएंगे, तो इस पेन में तो पता नहीं कितने ज़्यादा होंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कितने पार्टिकल आते हैं आने वाले टॉपिक में, बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है, देर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सेकेंड पॉइंट यू हैड स्टडी दैट, ये जो भी पार्टिकल्स है, जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है, they have space between them, so this tiny particle, these particles have spaces between them, मतलब जो भी particle, जिस जो matter है, जिन particle से बना होगा, उन particle के बीच में space रहने वाला है। क्या रहने वाला है? space रहने वाला है,
मतलब जितने भी पार्टिकल होंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बनाने की कोशिश करता हूँ, एक चलो चलो कि पानी है, तो पानी के अंदर ऐसे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये पार्टिकल हो गए, पहला वाला हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड इनके बीच में देखो स्पेस है, दिख रहा है? अब एक्चुअल में ऐसा दिखता नहीं है हमें, मतलब ऐसे पानी पकड़ के ऐसे देख रहे हो सर, आप बोलोगे ऐसा डायग्राम तो दिखता नहीं है, मतलब अगर ऐसा दिखेगा तो हम वो पानी तो फेंक देते हैं, ऐसा अगर पानी में ऐसे कंकड़ पत्थर हो तो आप पानी क्या करते हो, फेंक देते हो ना, फेंकते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, तो कंकड़ पत्थर नहीं है ये, इट्स नॉट द इम्प्यूरिटीज, इट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। थर्ड आपने पॉइंट पढ़ा था कोई, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिन दोनों की वजह से सॉलिड लिक्विड गैस बनते हैं, वो दो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है, ये जो पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस पार्टिकल्स हैव, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को वो खींचेंगे, मतलब एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल, ये एक दूसरे को अपने पास आने की कोशिश, मतलब ट्राई करेगा कि ये पार्टिकल उसके पास आ जाए, नहीं समझ में आया कि फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैग्नेट कि मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, दैट इज सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके एंड लास्टली बट नॉट द एंडिंग, बट ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दैट पार्टिकल्स, अभी एक तो हुआ कि वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में आपने पढ़ा था कि जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूसली मूव होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, कंटिन्यूस कोलिशंस इन बिटवीन द पार्टिकल, तो लास्ट पॉइंट हाँ, अगर हम पढ़ते हैं तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूशन में मूव होते हैं। अगर एग्जाम्पल कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मैंने 20 स्टूडेंट ला लिए और उनको आंख में पट्टी बांध दी और सिर्फ कंटिन्यूसली भागते रहो कहा, तो क्या होगा बच्चों, सोचो क्या होगा, इमेजिन करो कि एक दूसरे को वो टकराएंगे, वॉल को भी टकराएंगे, जब हम उनके पट्टियों खोल देंगे तो शायद उनके मुंह हाथ सब फूट चुके होंगे, तो ऐसा नहीं करना है, बस इमेजिन करने बोला था, रियल में हम नहीं करेंगे वैसा, डोंट वरी। तो लास्ट पॉइंट मतलब मैटर के लिए पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये चारों पॉइंट आपने नाइन्थ में ही पढ़े थे, मुझे लगता है ऐसा कि आपने नाइन्थ में ही पढ़ा था, बट अब हम आ गए हैं इलेवेंथ में, कुछ तो नया होना चाहिए इनमें, कुछ तो एडवांसमेंट होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो फिर मेरा फायदा ही कि आप तो नाइन्थ का ही पढ़ना रहता, तो फिर यहाँ पे मतलब मुझसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, नाइन्थ तो पढ़ ही चुके हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो जैसे जैसे टाइनी पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये टाइनी पार्टिकल को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं, ये बात आपने पहले ही पढ़ लिया था नाइन्थ में कि एटम, ये जो पार्टिकल्स है, तो ये प्लास्टिक है तो किससे बना होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा, तो मैं यहाँ पर एटम, ये पार्टिकल को नाम देता हूँ एटम, और इधर लिख लेता हूँ ठीक है मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा, दूसरा कि ये जो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, उसको भी एक नाम दे देता हूं जो आपने नाम नाइन्थ में नहीं पढ़ा था, तो इट इज नोन एज इंटर पार्टिकुलर स्पेस, क्या कहते हैं हमसे, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, क्या कहते हैं हमसे, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच का है, जैसे अगर दो स्कूल में कंपटीशन हो तो कैसे कहते हैं हम, इंटर स्कूल कंपटीशन, अब ये दो पार्टिकल के बीच का स्पेस है तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इसी को कभी कभी अगर वो पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे तो उसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अगर वो पार्टिकल्स एटम होंगे तो उसे हम कहेंगे इंटर एटॉमिक स्पेस, बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल, सिंपल है कि हार्ड है, बहुत सिंपल है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे भी हम मतलब नाम नहीं है उसका, तो ऐसे ही बोलते हैं इंटर पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं इसको भी नाम दूं तो इसका भी नाम कैसे आएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही एरो बन गए हैं, ठीक है समझ जाएंगे शायद आप लोग, तो इंटर पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ लिखा ही था, बस उसको नाम के दे दिया इंटर पार्टिकुलर, क्योंकि फिर से दो पार्टिकल के बीच में है तो दो पार्टिकल के बीच का स्पेस इंटर पार्टिकुलर स्पेस, दो पार्टिकल के बीच का
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो एटम रहेंगे तो फिर से इंटर एटोमेटिक सॉरी इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल रहेंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा ये सारे पॉइंट। कंटिन्यूसली मूविंग को भी एक नाम आता है, बट फिलहाल मैं वो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉलिड्स कुछ कुछ स्टेट में ही काम करता है। तो यहाँ तक के आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको समझ गया होगा मैटर का मतलब क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज हमें समझ गई है। अब हमने कहा था कि मैटर को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, जिसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो तीन टाइप है, आप थोड़ा सा सोचो कैसे बने होंगे, किन प्रॉपर्टीज को लेकर बने होंगे। हमने लास्ट की दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा कहा कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और टकराते रहते हैं। तो दो प्रॉपर्टी आ गई, एक आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जहाँ पर वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब दूर जाने की भी पावर है और पास आने की भी पावर है, दोनों पावर है। ओके, तो अगर पास आने की पावर अगर ज़्यादा हो, मतलब पार्टिकल जब पास पास हो तो एक अलग स्टेट बन जाएगा, पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर हो गए तो एक अलग स्टेट बन जाएगा। इस हिसाब से तीन स्टेट बन गए। कैसे? कि अगर पार्टिकल्स ज़्यादा ही पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट टाइम इट विल बिकम सॉलिड, उस टाइम पे वो बन जाएगा सॉलिड क्योंकि पार्टिकल्स आ जाएंगे पास पास। अगर वो दोनों बीच में है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है थोड़ा सा रिपल्शन भी है, तो फिर वो बन जाएंगे लिक्विड स्टेट में। और अगर अट्रैक्शन से ज़्यादा दूर दूर लड़ाई ही होती रहती है उनकी, तो वो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे एंड इट विल बिकम अ गैसी स्टेट। क्लियर? मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि इन दोनों फोर्सेस के वजह से, ये मैटर की प्रॉपर्टी के वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस बनता है। अब इसी को मैं इमेजिन करने बोलता हूँ कि कैसे हम इमेजिन करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है और लिक्विड स्टेट क्या है। तो जस्ट मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज में मैं उनके डिफरेंस बनाने वाला हूँ। तो डिफरेंस और उनके बारे में हम एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा सॉलिड स्टेट के बारे में, शायद आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिक्विड के बारे में, और लिक्विड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है छोड़ते हैं। ओके, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझाने के लिए मेरे पास एक इजी और बहुत ही सिंपल, मतलब मेरा बनाया हुआ एग्जांपल है। सोचो कि आपकी स्कूल चालू हो गई, सपोज आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई, सपोज, डरो मत, इन केस आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई, तो आप लोग क्लासरूम में कैसे बैठते हो? क्लासरूम के अंदर बेंचेस होते हैं, बेंचेस पर ही बैठते हो या बेंचेस के ऊपर बैठते हो वो आपको पता है ना? तो बेंचेस मतलब सिस्टमेटिक वे से बैठते हो। जब टीचर प्रेजेंट हो तब की बात करो कि जब टीचर प्रेजेंट है, क्लास चालू है, तब आप सिस्टमेटिक वे से बैठे होते हो। तो देखो वहाँ पर एक कंडीशन है कि सर है, एक स्ट्रिक्ट फोर्स है वहाँ पर, जिसके वजह से आप लोग लाइन से सिस्टमेटिक वे से बैठे हो। ओके, जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है और सर चले जाते हैं और लंच पीरियड हो, तब आप कैसे बैठते हो? और चलो मैंने आपको एक और ऑप्शन दे दिया कि आप फिर लंच पीरियड में क्लासरूम से बाहर निकल गए और एक लंच का एरिया होता है आपका, कहीं जाकर आप बैठते हो, तो वहाँ पर जाकर आप बैठे हो, तो क्या आप जैसे क्लासरूम में सिस्टमेटिक वे से बैठे थे लाइन से, क्या आप वैसे ही बैठते हो? कैसे बैठते हो? तब वहाँ पर क्या होता है कि आप कहीं पर भी रैंडमली कैसे भी, मतलब हमेशा वहीं बैठोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइन से बैठोगे वैसा भी ज़रूरी नहीं है, और अगर एक बार बैठ गए खाना खाने तो ऐसा तो नहीं कि वहीं पर बैठे रहोगे, आप अपनी जगह भी पोजीशन में चेंज कर सकते हो। लेकिन पहली जो कंडीशन थी क्लासरूम की, बेंचेस में थे, तो क्या जब टीचर पढ़ा रहा था तो आप अपने बेंच से दूसरे बेंच में चले गए, फ्रेंड वहाँ बैठा है तो अपने बेंच से दूसरे के फ्रेंड के बेंच में चले गए? ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप नॉर्मल सेकेंड कंडीशन में हो, जब क्लासरूम चालू नहीं है, आप अपना टिफिन खा रहे हो, एक लंच एरिया में आप खाना खा रहे हो, तो वहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाते हो, इजीली मूव हो पाते हो, और एक जगह पर नहीं रहते। और मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ कि आपको गेम्स पीरियड दिया हो, तो गेम्स पीरियड में क्या होता है, पूरा प्लेग्राउंड आपका होता है, प्लेग्राउंड में आप कहीं भी जा सकते हो, दूर दूर तक भाग सकते हो, पूरा प्लेग्राउंड में आप किधर भी जा सकते हो। तो ये तीनों एग्जांपल आप कोरिलेट कर सकते हो सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ और गैस के साथ। सॉलिड मतलब जब आप क्लासरूम में अपने अपने जगह पर सिस्टमैटिक वे से बैठे थे, वो हो गया सॉलिड स्टेट।
दूसरा एग्जांपल, जब आप लंच एरिया में लंच कर रहे थे या टिफिन खा रहे थे, तो अलग अलग मतलब रैंडमली इधर ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करते, ऐसा नहीं कि लंच एरिया को छोड़ के भाग गए खेलने के लिए, टिफिन खाते खाते आप खेलना तो नहीं स्टार्ट कर देते, करते हो सकता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं करोगे, तो उसने ही एरिया में आप रहोगे, थोड़ी सी मूवमेंट करोगे, मतलब अब उसने अच्छी सब्जी खिलाया होगा किसी पर दूसरे फ्रेंड ने, तो उसके पास चले जाओगे, अपनी सब्जी उसको देने जाओगे कि आज मेरी मम्मी ने इतना अच्छा बनाया है, ऐसे ऐसे मतलब वो थोड़ा सा ट्रांसफर चलेगा इतना। पर जिस तरीके से मैंने थर्ड एग्जांपल कहा, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो, शायद पसंद हो आपको, मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद था, तो पूरे ग्राउंड में आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो एक ने किक कर दी बॉल एक साइड से फर्स्ट गोल से, तो सेकेंड गोल तक बॉल चले जाती है और फिर पूरे के पूरे प्लेयर्स भागते हैं दूसरे साइड, और इस तरीके से पूरी मतलब बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब सोचो कि ये गैस के पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, जब सेकंड कंडीशन है तो बीच में थोड़ी सी एरिया में ही पार्टिकल रहते हैं और थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, और जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें पार्टिकल एक भी मूवमेंट नहीं करते। ये हो गया सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक पिक्चर अच्छी वाली बन गई होगी कि सॉलिड में पार्टिकल कैसे रहते हैं, लिक्विड में पार्टिकल कैसे रहते हैं और गैस में पार्टिकल कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं, इनके डायग्राम आपको पता है फिर भी एक छोटा सा डायग्राम बनाना जरूरी है। तो एक बॉक्स ले लिया मैंने, ये हमारा है मैटर, कोई भी सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे सिस्टमैटिक तरीके से वो अरेंज होंगे, वो भी पास पास, जैसे आपके स्कूल के बेंचेस में आप एक बेंच सामने और एकदम क्लास के एंड में दूसरा बेंच होता है, ऐसे नहीं होता, लाइन से एक के बाद एक बेंच होते हैं, लाइन से सिस्टमैटिक वैसे, तो वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स रहेंगे। अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करूँ, तो क्या होगा, देखो कि लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा सा सिस्टम होगा, ऐसे नहीं कि पूरे ही वो रैंडमली है, बट एकदम पैकिंग नहीं होगी, इस तरीके से पार्टिकल होंगे, थोड़े दूर दूर भी होंगे वो लोग, एकदम तो मतलब लाइन से नहीं बैठते हो आप लोग टिफिन खाने के लिए, मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं बैठते होंगे, सर्कल वर्कल चलता होगा, सर्कल बना लिया ऐसे कर दिया, मतलब अलग अलग पैटर्न हो सकता है। बट गैस में, ग्राउंड में तो कोई पैटर्न नहीं होता, जिसको जहाँ पे खेलना हो वो वहाँ पे खेलेगा, है ना, पूरा ग्राउंड आपका रास है खेल गेम्स पीरियड में। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मतलब पार्टिकल्स पूरे ग्राउंड में स्प्रेड रहेंगे, कहीं पर भी मूव होंगे, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ, तो दूर दूर पार्टिकल्स रहेंगे, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस रहेगा, कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले ये तो डायग्राम हमने बना ली, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी जिससे आपको समझ में आता है, जैसे ये देखकर आप कैसे बोल सकते हो कि ये सॉलिड ही है, कैसे बता सकते हो मुझे, क्या देखकर बोलोगे कि ये सॉलिड है, तो यहाँ पर पॉइंट आता है इसका शेप। देखो ये पेन है, मतलब मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो मैंने अगर इसको जेब में रख दिया, तो ये मेरा राइटिंग पेन नहीं बनेगा, क्या इसकी शेप चेंज होती है जेब रखने, या मैंने बोला कि हाँ चल तू बटन दबा दिया पेन बन गया, तो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर आएगा, शायद आ भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, ये पेन तो मार्कर, ही रहेगा, पेंसिल नहीं बनने वाला है, इसका मतलब इसका जो शेप है वो फिक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं शेप के बारे में, अगर मैं सभी के शेप के बारे में बात करूँ, क्योंकि शेप देखकर ही, मतलब किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, जब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा सॉलिड की शेप की, अगर हम बात करते हैं तो कैसा शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। व्हाट इज सॉलिड शेप, इट इज डेफिनेट इन शेप, मतलब सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है, डेफिनेट मतलब फिक्स शेप, मतलब चेंज नहीं होगा, जैसे इसका शेप चेंज नहीं होगा, दवा इसको प्रेस कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये ऐसे ही शेप में है, ठीक है। लेकिन लिक्विड, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, तो आप सभी जानते हैं, मतलब किसी भी कंटेनर में हम वाटर को रख दें, जैसे मेरे पास अगर वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में मैंने रख दिया, तो वाटर बॉटल का शेप आ जाएगा। वाटर बॉटल से मैंने ग्लास में ले लिया, तो ग्लास का शेप आ जाएगा। ग्लास से अगर मैंने किसी और छोटे कंटेनर में रख लिया, तो उस कंटेनर का शेप आ जाएगा। तो लिक्विड का शेप फिक्स होता है, नहीं फिक्स होता, तो नॉट फिक्स, तो जैसे सॉलिड का फिक्स होता है या डेफिनेट होता है, तो नॉट डेफिनेट या उसको इनडेफिनेट बोलते हैं हम लोग। अब थोड़े बड़े हो गए तो बड़े वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, नाइन्थ में नहीं है, नाइन्थ में हम बोलते थे फिक्स नॉट फिक्स, तो यहाँ पर डेफिनेट का उल्टा फिर हम बोलेंगे इनडेफिनेट। वैसे ही गैस की भी कोई शेप नहीं होता, अगर हम इसको इस रूम में रख देंगे, तो इस रूम में बलून में भर देंगे, तो बलून का शेप आ जाएगा। अगर कोई प्लास्टिक बैग में भर देंगे, पेपर बैग में भर देंगे, तो उसका शेप आ जाएगा। मीन्स कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इनडेफिनेट शेप बोल दूंगा मैं इसको भी। तो यहाँ तक बात तो बहुत ही सिंपल है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, गैस का भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब ये तो शेप के बारे में हुआ, अगर मैं मास के बारे में बात करूँ, या मास नहीं वॉल्यूम, क्योंकि मास के बारे में हम ऐसे नहीं बात कर सकते, चलो वॉल्यूम की बात करते हैं,
अगर मैं सेकेंड नंबर लेता हूँ वॉल्यूम, पहला मैंने शेप लिया, सेकेंड वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम का मतलब, सबसे पहला वॉल्यूम का मतलब, तो जो मैंने मैटर की डेफिनेशन में ऑक्यूपाई स्पेस कहा था वही वॉल्यूम होता है। कि जैसे ये पेन है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम, मतलब इट रिक्वायर सम स्पेस टू स्टे, इसको रहने के लिए एक जगह लगती है, वो जो जगह कवर करेगा, ये जो जगह कवर करेगा उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और अगर कोई एम्प्टी सब्सटेंस है, जैसे खाली वाटर बॉटल है, तो 1 लीटर बॉटल, 500 लीटर कैन, ऐसे हम बोलते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम होता है जिस उसके उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंस कितना स्पेस कवर करता है, ओके, कितना स्पेस कवर करता है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, तो इसका वॉल्यूम देखो, ये पेन का वॉल्यूम इतना, मतलब अभी काउंट करके नहीं बता रहा नंबर में कितना है, सपोज 10 लीटर, मतलब 10 लीटर नहीं होगा, 100 ml है, 100 ml करीब इसका वॉल्यूम हो गया, सपोज ml में तो नहीं आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में रहेगा, और ठीक है इसका कोई वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको आपके बॉक्स का, आपका बॉक्स पूरा पैक हो गया और मैं चाहता हूँ इसको उसी बॉक्स में रखना हो, तो क्या मैं इसको थोड़ा छोटा वोटा करके, इसका वॉल्यूम छोटा करके उसमें रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, इसका वॉल्यूम छोटा नहीं होगा या इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बच्चों। मीन्स सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स वॉल्यूम, या जिसको हम कहते हैं डेफिनेट। अब बोलेंगे सर उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहे हो, जैसा है वैसे लिखो ना, ठीक है चलो आप समझ जाते हो, आप बहुत होशियार है पता है मुझे, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आप ये सब इजीली समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं अगर लिक्विड की बात करूँ, तो सोचो लिक्विड में क्या होगा, क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं होता? सोच के बताओ, क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं होता? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं होता? तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 1 लीटर वाटर बॉटल है, 1 लीटर का वाटर बॉटल है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है आपके पास में, ठीक है, और आपके घर में आप गए और एक कैन, मतलब पानी का कैन है, जहाँ पे ज़्यादा पानी हम रखते हैं, पानी का कैन भी है आपके पास जिसमें, जो 10 लीटर का है, ठीक है। अभी इस बॉटल में कितना पानी है आपके पास? 1 लीटर। तो क्या मैं इस 1 लीटर बॉटल को अगर उस कैन में डाल दूँ, खाली कैन में डाल दूँ, तो क्या वो कैन पूरा भर जाएगा? क्या वो कैन पूरा भर जाएगा? नहीं भरेगा बच्चों, सिर्फ 1 लीटर पानी ही जाएगा। इसका मतलब लिक्विड का, मतलब वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। आप उसको कहीं पे भी लेकर जाओ, आप उसको कहीं भी ले जाओ तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं इसमें, मैंने उल्टा बोल, अभी मैंने बोला कि छोटे बॉटल से बड़े कैन में भर दो। अभी सपोज कैन है मेरे पास, कैन 5 लीटर का कैन है मेरे पास, उससे मैं वाटर बॉटल में पानी भर रहा हूँ, तो क्या वो कैन का पूरा 5 लीटर पानी मैं 1 लीटर की बॉटल में भर सकता हूँ? नहीं भर सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी 5 लीटर है, तो वो 1 लीटर में बॉटल, वैसे मुझे 5 बॉटल लगेगी, कितनी बॉटल लगेगी? 5 बॉटल। आपको इतना मैथ पता ही है कि 5 लीटर का कैन है, तो मुझे 5 वाटर बॉटल लगेगी उसको पूरा फिल करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर का या लिक्विड, वाटर मतलब लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, मतलब कभी मतलब कंडीशन है, बट नॉर्मल कंडीशन में चेंज नहीं होता। उसके ही अपोजिट अगर मैं गैस की बात करूँ, तो सोचो बच्चों गैस के साथ क्या होगा। जैसे आपको मतलब आप क्लासरूम में थे तो बराबर अपने अपने जगह पे थे, उतने ही बच्चे थे, लंच में भी थे तो बराबर लंच करते हो, उतने ही बच्चे थे, लेकिन अब गेम्स पीरियड है, तो गेम्स पीरियड में क्या होता है कि सब बच्चे ग्राउंड पे नहीं खेल रहे थे, कुछ बच्चे कुछ क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ कहीं और चले गए, मतलब वो फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, वैसा गैस में मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि इस गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, सो नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम बोलते हैं हम इसे। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ बलून का। आप क्या करो, बलून लो, बलून में एयर ब्लो करो, उसको अच्छे से बना लो, मतलब अच्छा लगता है बलून, वैसे फुला लिया आपने उसको, और उसको क्या करो, मतलब फोड़ना नहीं है, हाँ ठीक है, आप खोल तो नहीं सकते उसको, खोलना आता होगा तो खोल देना, अगर नहीं आता तो फोड़ दो, ठीक है। तो उसको फोड़ दिया तो क्या होगा, पहले आपने इसमें एयर ब्लो किया तो वो बलून के इस वॉल्यूम का एयर उसमें आ गया, कितना एयर आ गया, कि जो भी बलून का साइज होगा उतना एयर आ गया। जैसे ही आप उसको फोड़ दोगे तो एयर के जो पार्टिकल है उसको ये पूरा का पूरा रूम मिल जाएगा, तो उसके पार्टिकल्स पूरा रूम कवर कर देंगे। और वॉल्यूम मतलब टू ऑक्यूपाई स्पेस, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो पहले सिर्फ बलून का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था तो बलून का वॉल्यूम हो गया, जैसे ही उसको ओपन स्पेस मिल गई वो पूरे ओपन रूम में मतलब उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दी। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड ऑन द कंटेनर, जितना साइज का हम कंटेनर लेंगे, छोटा कंटेनर लेंगे तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, बड़ा कंटेनर लेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना कंटेनर होगा, जैसे मैंने शेप के लिए कहा था वैसे ही गैस के वॉल्यूम के लिए भी होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था गैस आर कॉम्प्रेसिबल, वो पॉइंट भी आएगा कि गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, तो बहुत सारी गैस, अगर मतलब पूरा रूम भर की भी गैस हो, उसको मैं पंप से कॉम्प्रेस कर करके छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकता हूँ,
बट मैं पानी के साथ वैसा नहीं कर सकता, वो एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ने वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखते बराबर हमको ये समझ में आएगा कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थोड़े हाई फाई वाले टर्म पर जो हमने अभी कहे थे कि पहला टर्म था हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस अभी तो बताया मैंने, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं लिख रहा इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेकिन हम बात इंटर पार्टिकुलर स्पेस की ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस लिख रहा हूँ, इतने आप समझदार हैं। स्पेस मतलब इंटर पार्टिकुलर स्पेस की, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, देखो बच्चों यहाँ पर स्पेस कितना है, तो मिनिमम स्पेस कितना रहेगा, मिनिमम स्पेस, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करूँगा तो लिटिल स्पेस, थोड़ा स्पेस रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, लिटिल स्पेस। ओके, इसको अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो नेग्लिजिबल, यहाँ पे मैक्स मिनिमम की जगह नेग्लिजिबल स्पेस भी बोल सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है, नेग्लिजिबल स्पेस। गैसेस में अगर कहूँ तो गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो लार्ज स्पेसेस, इसको हम कहेंगे लार्ज स्पेस, ठीक है। ये हुआ एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, कौन सी थी, दिस वन इज अबाउट स्पेस। अब हो गया फोर्स ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, थैंक यू। इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं उसको लिख रहा हूँ FOA, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ और मतलब मत निकालना उसका, पता नहीं मुझे और कोई मतलब होता है या नहीं, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप में किसी भी किसी का कुछ भी मतलब आ जाता है ना, शॉर्ट में लिखते हैं ना हम लोग व्हाट्सअप में। तो FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी इंटर पार्टिकुलर, मतलब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा। तो देखो जब हम क्लासरूम में होते हैं तो सिस्टमैटिक लाइन से बैठे हुए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर झगड़ा हो जाए, अगर आप क्लास में बैठे हो और आपका आपके बेंचमेट के साथ झगड़ा हो जाए, तो क्या आप साथ में बैठ पाओगे, नहीं बैठ सकते, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से नहीं बैठ सकते। मतलब साथ में बैठे हैं मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा, एकदम ज्यादा नहीं, क्योंकि खाने में बिजी है ना, तो खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो लिटिल मतलब इन बिटवीन, मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मैं लिटिल लिखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ जाएगा लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड अगर मैं गैस के पार्टिकल की बात करूँ, तो बेचारे वो तो दुश्मनी पे ही तुले हुए ना गेम्स में, तू दूसरी टीम का है, मैं दूसरी टीम का हूँ, मेरे को तो गोल मार के ही रहूंगा मैं, और अगर दुश्मनी हो तो लड़ाई भी कर लेते ग्राउंड में, होता है या नहीं होता है, करना मत, लेकिन मैटर नहीं करना है हमें, वो वाला मैटर नहीं करना है, हमारा केमिस्ट्री का ही मैटर पे अच्छे रहो आप लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मिनिमम, जैसे सॉलिड में मैक्सिमम था तो उसका अपोजिट रहेगा गैस में, दैट इज मिनिमम। ये पॉइंट आपको समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। इसमें अगर हम और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मतलब रिजिडिटी, फ्लुइडिटी, चलो रिजिडिटी का एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। रिजिडिटी के बारे में अगर बात करें हम, जो कि आप नाइन्थ में ही पढ़ चुके हो, रिजिडिटी ये वर्ड आपने रिजिडिटी वर्ड सुना था, उसमें एक एग्जाम्पल था आपको, अ कराटे पर्सन कैन हिट अ वुडन ब्लॉक इजीली एंड ऐसा ऐसा कुछ, तो कुछ तो क्वेश्चन थे, अब मुझे याद भी नहीं है, बचपन में पढ़ा था, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें फिर रिजिडिटी का एग्जांपल था कि कराटे प्लेयर तो वुडन को ऐसे ब्रेक कर सकता है, फिर आप क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, तो ट्राई करें क्या, नहीं रहें तो मेरा बोर्ड टूट जाएगा, फिर पढ़ेगा कौन आपको, है ना, और कहाँ पढ़ाएंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इज कि जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके पार्टिकल पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं, तो सोचो आपने एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने आपके फ्रेंड्स के साथ, चार पांच फ्रेंड के साथ एकदम टाइट टाइट पकड़ के खड़े हो, और कोई दूसरा पर्सन आपने आपके फ्रेंड को बोला कि ब्रेक करके दिखाओ उनको, क्या वो आपको ब्रेक कर पाएगा, चार पांच लोग आप एकदम टाइट टाइट क्लोज पकड़ के रखो, तो दूसरा पर्सन आएगा तो वो नहीं ब्रेक कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को टाइट टाइट पकड़ के रखा है, तो ब्रेक नहीं कर सकता। तो रिजिड मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए दिस पार्टिकल्स आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर, इसलिए ये क्या बनाते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल रहेंगे दे आर हाईली रिजिड, क्या बोलेंगे इसको हम, हाईली रिजिड। अब बस एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी, आप बोलोगे सर कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे स्पंज है सर, स्पंज को तो हम ऐसे दबा दे तो उसका शेप चेंज हो जाता है, तो ये जो मैं कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, ये जितने भी हमने कंडीशन लिखा है, ये सभी कंडीशन ऐसे लिखे हैं कि विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम इन सब पार्टिकल पर जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा रखा हुआ है, रख के हम देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है बाबा, मतलब स्पंज है तो स्पंज को भी अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो क्या स्पंज का शेप चेंज होता है अपने आप,
नहीं होता बच्चों, स्पंज इज अ सॉलिड। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पंज को हम जब प्रेस करते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि प्रेस करने के बाद रिजिड है, ऐसा कहा क्या? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड्स आर रिजिड। लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो दे आर नॉट रिजिड। क्या लिक्विड रिजिड होता है? उसके अंदर मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर मतलब स्पेस ज़्यादा है, स्पेस के बीच में अपना हाथ चले जाता है। जैसे अगर वाटर के अंदर हम हाथ डालेंगे तो हाथ जाता है, ये लकड़ी के अंदर अगर हम हाथ डालने जाएंगे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है बच्चों, पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं। तो फिर यहाँ पे बोलोगे सर हम यहाँ पे नमक का चूरा ले लेते ना, नमक के चूरे में हाथ चले जाता सर हमारा। अरे बच्चों इतना दिमाग मत लगाओ, जो बता रहा हूँ उतना सुनो चुपचाप, ओके? सो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे अपने पार्टिकल को छोटे छोटे डिवाइड कर लिया, एक पूरा ऐसा स्लैब नहीं लिया है ना, ठीक है? इसलिए वहाँ पर आप उसके उन पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस नहीं, हाथ नहीं डाल रहे हो, वो पहले से ही पाउडर है, पहले से आपने उसको स्पेस कर दिया है, ठीक है? तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो कौन से, अगर हमने सॉल्ट को पाउडर करके उसके अंदर आप हाथ डाल रहे हो, बोले सॉल्ट मतलब सैंड के अंदर से हाथ जाता है सर हमारा, हम भी कराटे चैंपियन बन गए, तो वैसा नहीं है, ठीक है? तो लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, रिजिडिटी की बात करेंगे तो इट इज इन बिटवीन गैस, मतलब लिटिल वेरी लेस, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, एकदम स्ट्रांग तो नहीं होता, नेग्लिजिबल। और गैस में तो नो रिजिडिटी। रिजिडिटी के ही अपोजिट में टर्म आता है फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी के ही अपोजिट में आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल है, उसका शेप चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दूं, मतलब इसका अपोजिट है एक्चुअली वो, तो इसके सारे उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, सॉलिड नेग्लिजिबल, क्या सॉलिड फ्लेक्सिबल है? नो, नेग्लिजिबल फ्लेक्सिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। वाटर शेप चेंज होता है, हम उसको अलग अलग कंटेनर में ले जा सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है समझो, कि जैसे स्पंज है उसको मैं उसका शेप चेंज कर सकता हूँ अच्छे से, है ना, पर वो उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन गैस है या फिर अगर कोई लिक्विड है तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड का अगर मुझे शेप चेंज करना है तो ज़्यादा मेहनत एनर्जी देनी पड़ती है। तो लिक्विड एंड गैस में ईजिली फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईजिली फ्लेक्सिबल, गैस में भी फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल। ओके, अब अगर मैं इसके भी लिस्ट लिखने जाऊँ तो इसके भी लिस्ट खत्म नहीं होंगे बच्चों, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के कंपेरिजन हम करते जाएंगे तो ये भी खत्म नहीं होगा। एक और पॉइंट जिस इंपॉर्टेंट वाला मैं बता देता हूँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब समझो, सबसे पहले कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब कि अगर हम किसी सब्सटेंस पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इस सब्सटेंस को एक पिस्टन के अंदर रख देता हूँ और यहाँ से पिस्टन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, क्या इसके पार्टिकल अंदर प्रेस हो जाएंगे? पहले से ही उसके बीच में स्पेस नहीं है, पहले से ही इन पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, तो अंदर मतलब प्रेशर कितना भी आप अप्लाई करो। अब मैंने एकदम हाईटेक मशीन क्रेन व्रेन ला के दबाओ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हाथ से दबा के देखो तो क्या आप ऐसे, अगर सैंड है आपके पास और अपने जो इंजेक्शन होता है, जस्ट एक एन इंजेक्शन बिना सुई वाला, सुई निकाल के, नहीं तो बोलेंगे सर सुई लगाने क्यों बोल रहे हो, हम तो डॉक्टर नहीं बने अभी तक के, 2 साल के बाद बनेंगे। तो अभी नहीं, सुई नहीं लगाना है, सिर्फ इंजेक्शन देना है, ब्लैंक वाला सुई निकाल देना, उसको सिरिंज निकाल देना, सामने से उसको पैक करना है और इसमें क्या करना, सॉल्ट फिल कर देना, सॉल्ट या सैंड कुछ भी सॉलिड पार्टिकल फिल कर देना और उसका जो पिस्टन रहता है उसको लगा के प्रेस करने की कोशिश करना। क्या आप उसको प्रेस कर पाओगे? थोड़ा सा भी प्रेस नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा भी इसलिए प्रेस नहीं होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल्स पैक है। क्या है? पार्टिकल्स पैक है, तो थोड़ा सा भी प्रेस नहीं होगा, मतलब इनकॉम्प्रेसिबल, नॉट पॉसिबल। सॉलिड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल, याद रखना है, दे आर नॉन कॉम्प्रेसिबल। उसी की जगह पर अगर मैं लिक्विड लूँ तो सोचो, आपने होली में, होली खेलते हैं आप लोग? खेलते हैं होली? तो नहीं खेलते, कभी नहीं खेले लाइफ में? तो पिचकारी यूज़ किया है पानी वाला, ऐसा जो रहता है, कभी खेला है आपने? तो उसमें क्या होता है कि जब हम पानी भर दे, तो मतलब मैं छोटा था तो मैंने ट्राई किया था, तो उसके सामने उसको लॉक करके मैंने प्रेस करने की कोशिश की तो प्रेस होता था, थोड़ा सा प्रेस होता है। तो आप वो इंजेक्शन के साथ करके देखना कि वही कि सिरिंज निकाल लेना, पैक कर देना सामने से, पानी ले लेना और फिर प्रेस करने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा प्रेस होगा। सॉलिड में बिल्कुल प्रेस नहीं होगा, वाटर में थोड़ा सा प्रेस होगा, मतलब दे आर कॉम्प्रेसिबल, मतलब थोड़ा कॉम्प्रेसिबल, लिटिल कॉम्प्रेसिबल, नॉट एकदम ज़्यादा, लिटिल कॉम्प्रेसिबल।
और अगर हम गैस की बात करें तो बच्चों आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, इसलिए तो हमारे घरों में गैस सिलेंडर होता है जो महीना भर चलता है। अगर कॉम्प्रेस नहीं हो पाता तो हमें रोज नया नया सिलेंडर लाना पड़ता बच्चों, और फिर हमारे घर वाले परेशान हो जाते, हम भी परेशान हो जाते, और फिर खाना वाना तो फिर बंद ही हो जाता हमारा, है कि नहीं। तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, और हाईली कॉम्प्रेसिबल तो यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स कवर हो गए हमारे, तो ये सभी समझ गए होंगे आपको, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी हम सभी के सभी पॉइंट तो अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में नहीं कवर कर सकते ना। देखो ये जो लिक्विड स्टेट है और गैसी स्टेट है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर हमें 11th में पढ़ना है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम ये पूरा इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो डरो मत, सर ने इतना सा ही बताया, अभी तो बहुत सारे पॉइंट बचे, तो वो हम चैप्टर पढ़ेंगे। और हमारा स्पेशल वन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर हम 12th में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, पहले इसको लिख लो। जस्ट एक पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्शन हम बता देते हैं और फिर हम देखते हैं, चलो पहले इसको लिख लो, कंप्लीट करो। ओके, तो हम लोगों को सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसी स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम इस सॉलिड स्टेट को लिक्विड में और लिक्विड स्टेट को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्शन ऑफ स्टेट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों आपको याद होगा ये जो कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए, तो आइस, अभी अभी गर्मी का सीज़न गया है, मतलब पता तो नहीं चलता, सुबह गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है, मतलब अलग ही चल रहा है, चलो ठीक है। तो आइस आपको पता है, बर्फ़, अगर मैं उस बर्फ़ को फ्रिज से निकाल कर रूम में रख दूँ तो क्या होगा, तो वो आइस मेल्ट हो जाता है और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड था, आइस इज इन सॉलिड स्टेट, इट बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और फिर अगर मैं उसको उठा के गैस पे रख दूँ, गैस पे मतलब बंद गैस पे नहीं रखना है, चालू गैस पे रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल इवापोरेट, मतलब बॉयल, हम उसको इवापोरेट नहीं कहते हैं, हम उसको बॉयल कहते हैं, दिस वाटर विल बॉयल एंड कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर से वाटर वेपर में। इसका मतलब मैं सॉलिड स्टेट को, देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ उसको लाइन से, मतलब एक ही झटके में हमारा पूरा ख़त्म ही कर देते हैं उसको, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता हूँ। ये बात ध्यान से समझना है आपको, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम तोड़ दें किसी तरीके से अगर हमने तोड़ दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। तो हम वो तोड़ते कैसे हैं बच्चों, हम वहाँ पे करते हैं हीटिंग, क्या करते हैं, हीटिंग बोलो इसे, लेकिन अब हम चले गए 11th में, तो इसी को मैं कहूँगा टेम्परेचर इंक्रीज। देखो इस तरीके के मैं सिंबल यूज़ करूँगा, अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज करना, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज करना, या देखो अपवर्ड एरो यूज़ कर रहा हूँ मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अगर मैंने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को अगर मैं फिर से हीट करता हूँ, इफ़ आई हीट दिस लिक्विड, हीट नहीं हीट कहा, ठीक है, हीट दिस लिक्विड, तो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, यही लिक्विड लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हीट करने से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने कुछ एनर्जी का नाम भी दिया था 9th क्लास में, डू यू रिमेंबर इस एनर्जी को क्या कहते हैं, कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लैटेंट हीट कहा था आपने उसको, लैटेंट हीट, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 11th में आपने वो टर्म आप कहीं नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स नाम से चैप्टर आएगा, वहाँ पे डायरेक्ट सर पे वो बॉम्बार्ड करेगा कि लैटेंट हीट आ गया, तो वहाँ पे याद रखना है इट इज़ अ लैटेंट हीट, मतलब लैटेंट हीट यूज़ होती है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्शन में, या फिर हीट लिक्विड टू गैस में कन्वर्शन में। अगेन लिक्विड में कुछ एनर्जी रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम हीट कर रहे हैं, वो टूट रहा है और वो गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी कोई लैटेंट हीट रहेगी, इनके नाम भी थे बच्चों, क्या नाम था इसका, इसका नाम था फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था और यहाँ पर नाम था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके बच्चों, ये तो हुए टर्म्स
नॉलेज कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होगा। इन टर्म्स को मतलब इस प्रोसेस को भी कुछ नाम दे दिया था हमने। डू यू रिमेंबर द नेम? व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग, या फिर उसी को हम फ्यूजन भी कहते हैं, इसलिए तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन आया है। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन भी है। वैसे ही व्हेन सब्सटेंस गेट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? बॉइलिंग। क्या कहते हैं इसे? बॉइलिंग। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटे छोटे पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते नॉर्मली। एंड जो टेम्परेचर थे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इंटू लिक्विड उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इंटू गैस दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, मतलब ये देखो, याद रखना कि ये मैंने ऊपर वाले एरो के लिए नाम लिखा है, अब मैं नीचे वाले एरो बना रहा हूँ। अगर मैंने गैस से लिक्विड करना है, लिक्विड से सॉलिड करना है, तो मैं क्या करूँगा? जो ऊपर किया है उसका उल्टा करना है। मतलब गैस के पार्टिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारी एनर्जी है, मैं अगर उसकी एनर्जी को ठंडा करके रिमूव कर दूँ, मतलब कूल कर दूँ, टेम्परेचर कम कर दूँ, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्या करूँगा? कूल करूँगा। क्या करूँगा? कूल मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, सपोज वाटर वेपर है। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी की बॉटल आप टेबल पे रख दो तो क्या होता है कि उस बॉटल के ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होती है, तो क्या आपके भाई ने वाटर फेविकॉल से उस पर चिपकाया है या मम्मी ने चिपकाया है, किसने चिपकाया? मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आया, क्या आपको समझ में आया? हाँ, तो यहाँ से आ रहा है कि वाटर वेपर जो एयर में, अभी समझ में आ रहा है, वेरी गुड, हाँ आपने बताया। तो क्या क्या हो रहा है कि एयर में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर ठंडी के वजह से, मतलब कोल्ड वाटर बॉटल की वजह से कंडेंस होकर वाटर वेपर से लिक्विड, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाएंगे। यहाँ पर वो बन जाएंगे वाटर ड्रॉप्स। और बच्चों, अगर मैं इसी वाटर ड्रॉप्स को फ्रीजर में रख दूँ, अगर मैं उन्हीं वाटर ड्रॉप्स को अगर और कूल कर दूँ, फ्रीजर में रखना मतलब और कूल कर दिया और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो क्या बन जाएगा? वो आइस। क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ऊपर हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्शन, इसको मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस को हमने कहा बॉइलिंग। इसका उल्टा कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस इन विच गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उसके बाद में टर्म आएगा लिक्विड से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कभी कभी उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, कभी कभी उसको फ्रीजिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका टर्म है फ्रीजिंग, याद रखना है, इसका टर्म है फ्रीजिंग। एक्चुअली अलग अलग बुक में, नाइन्थ में आपकी बुक में अलग लिखा था, सॉलिडिफिकेशन लिखा था वहाँ पर, कहीं फ्रीजिंग लिखा था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। फ्रीजिंग कहते हैं इसे। जनरली लिक्विड टू सॉलिड का कोई मतलब टर्म आपको पूछा नहीं जाता, या ऐसे कोई टर्म जनरली बोला नहीं जाता। कभी कभी उसको मेल्टिंग भी बोला जाता है कि लिक्विड से सॉलिड, उसको मेल्टिंग भी बोल देते हैं, कभी कभी मेल्टिंग भी बोल दिया जाता है, बट इट इज़ फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन कुछ अलग टर्म है, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? इसके बाद आपने ऐसे भी टर्म पढ़ा था कि ये जो सॉलिड है कभी कभी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा था। डू यू रिमेंबर? आपने कैम्फर का एग्जाम्पल पढ़ा था, आपने अलग और किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? कैम्फर, नैप्थलिन बॉल, नैप्थलिन का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो क्या होता है वहाँ पर? वो सॉलिड रहता है, सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आपने नैप्थलिन बॉल देखे? नैप्थलिन बॉल मतलब डांबर गोली, जिसको हम डांबर गोली कहते हैं, शायद आप भी उसे वही कहते होंगे, पता नहीं, मैं तो उसे वही कहता हूँ। तो हम उसे अलमारी में या कबर्ड में जहाँ बुक्स होती है, जहाँ कपड़े होते हैं, वहाँ हम रखते हैं। तो क्या वो गीला गीला हो जाता है? अगर वो गीला हो जाता है तो हमारे कपड़े तो गीले हो जाते हैं ना, फिर हम उसको कपड़ों में क्यों रखते हैं? तो गीला नहीं होता, वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं हमसे? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड अब देखो, ये फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है बच्चों, मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, तो क्या गैस से सॉलिड नहीं बनता होगा? तो क्या गैस से सॉलिड नहीं बनता होगा? तो जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और कंडीशन यही रहेगी। सब्लिमेशन कैसे होगा? टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तब सब्लिमेशन होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब सब्लिमेशन, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं
तब इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये पॉइंट हुआ कि कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। याद रखो ये का क्या हुआ, टेम्परेचर के टर्म में बच्चों, इसके टर्म में हुआ टेम्परेचर के टर्म में। एक और कन्वर्शन, मतलब यही कन्वर्शन बाय यूजिंग हम प्रेशर भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रेशर। अब देखो प्रेशर में क्या होगा, टेम्परेचर का समझ गया आपको कि हम टेम्परेचर दे देकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ रहे हैं। मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, टेम्परेचर दिया टूट गया, लिक्विड बन गया, और तोड़ और टेम्परेचर दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि गैस में होता है। अब देखो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो मैंने कोई अरेंजमेंट लगा के, अगर उसमें कोई पिस्टन लगा के उसके पार्टिकल को कॉम्प्रेस कर दिया, जो मैंने कॉम्प्रेसिबिलिटी में बताया था याद करो, तो कॉम्प्रेशन कर दिया मैंने, गैस को कॉम्प्रेस कर दिया, तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो जब पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो क्या वो गैस रह जाएगा, गैस के पार्टिकल तो दूर दूर रहते हैं, तो अगर मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो गैस के पार्टिकल बन जाएंगे लिक्विड के पार्टिकल, और लिक्विड के पार्टिकल को एक्सट्रीमली अगर मैं प्रेशराइज करता हूँ तो वो सॉलिड बन सकता है। ये बात क्लियर हुई? तो इसकी जगह पर आप प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में यहाँ पर देखो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ रहा है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। प्रेशर अगर मैं लिखता तो प्रेशर मुझे इंक्रीज करना पड़ता, कॉम्प्रेस करना मतलब प्रेशर बढ़ाना, मतलब गैस से अगर लिक्विड करता हूँ तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसका उल्टा करता हूँ मतलब सॉलिड को मुझे लिक्विड कन्वर्ट करना है तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ टर्म लिखता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखेंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना कि नहीं समझ में आया, बट फिलहाल मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड से अगर मैं लिक्विड की तरफ जाता हूँ तो मुझे प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस की तरफ जाता हूँ तो फिर से मुझे प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका उल्टा गैस को अगर मैं लिक्विफाई करना चाहता हूँ तो कॉम्प्रेशन, आपने 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों, ये एक्चुअली में आपने ये 9th में ही पढ़ा है, कन्वर्शन ऑफ एयर, मतलब सेपरेशन, सेकेंड चैप्टर में शायद पढ़ा था कि हाउ टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एयर, ऑक्सीजन कैसे मिलता है हमको एयर से, तो हम पहले एयर को लिक्विफाई करते हैं, तो उसमें कॉम्प्रेशन एंड कूलिंग था। तो कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ाना और ठंडा करना, मतलब कूलिंग, कॉम्प्रेशन एंड कूलिंग करने से, मतलब देखो अगर हम मुझे गैस को अगर लिक्विड करना है तो क्या करूँगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाना मतलब कॉम्प्रेशन, प्रेशर इंक्रीज करना मतलब क्या हो गया, इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। समझ में आ रहा है क्या, प्रेशर बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन एंड कूलिंग करने से क्या होगा, देखो एरो ऊपर है, वो अपर एरो मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है, कॉम्प्रेशन एंड कूलिंग से गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और अगर मैं लिक्विड को कूलिंग और कॉम्प्रेशन करता हूँ मतलब प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये बन जाता है सॉलिड। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसको आप पहले नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, सबसे पहले मैंने आपको साइंस के बारे में बताया कि साइंस क्या है या हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, उसके बाद साइंस के डिवीजन हमने कैसे किए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड मैंने फिर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात की, फिर हम आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हमने बात की मैटर, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द थिंग्स वी विल स्टडी अबाउट मैटर इन केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात की कि देर इज सॉलिड, देर इज लिक्विड, देर इज गैस, उसके पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, ठीक है। देन लास्टली हमने कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझा, फिर से बताइए, तो मैं वो पॉइंट आपको समझा दूंगा। और अगर आप कोई टॉपिक दूसरा इस चैप्टर को छोड़कर भी कोई दूसरा टॉपिक चाहते होंगे कि मैं वो एक्सप्लेन करूं, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए, तो आप मुझे वो कमेंट में बताओ कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए, मैं वो टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर जाने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिले कि मैं इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर।